बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411084214 और 9953737799। नगला बूढ़ी में ये जो बड़ी पंचायत आप देख रहे हैं, इसमें केंद्रीय कमेटी आज यहाँ आई है और उन्होंने भीम नगरी आयोजन समिति 2020 जो नगला बूढ़ी में सजाई जाएगी भव्य तरीके से, उसके अध्यक्ष की घोषणा की है और उनके अध्यक्ष हैं सेठ धनी राम जी। इनके नेतृत्व में ये भीम नगरी सजाई जाएगी और इस भीम नगरी को पूरी तरह से सामाजिक रूप दिया जाएगा और सामाजिक लोगों को ही मंच पर बुलाया जाएगा और जो हमारे समाज के ईमानदार नेता हैं उनको भी इस भीम नगरी में आमंत्रित किया जाएगा और ये भीम नगरी अब तक सजी 24 भीम नगरियों से भव्य भीम नगरी होगी और जैसा कि ऐतिहासिक भीम नगरी का होता है उसी तरीके से ये ऐतिहासिक भीम नगरी का आयोजन होगा, जिसमें कि अभी डॉक्टर बीरी सिंह जगरवाल जी ने घोषणा की है कि वो 1000 बच्चों की फीस जमा करेंगे उनके संबंधित प्रबंधकों को बुला करके, और आगरा जाटम महापंचायत के अध्यक्ष रामवीर सिंह करदम जी ने घोषणा की है कि वे 60 वर्ष से ऊपर की विधवा महिलाओं को उस दिन साड़ी वितरित करेंगे। इसी तरह के कई सामाजिक कार्यक्रम इसमें किए जाएंगे जिससे कि समाज लाभान्वित हो सके। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सबसे पहले हम आदरणीय बहन जी को आमंत्रित करेंगे, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी को हम आमंत्रित करेंगे और बेबी रानी मौर्या जी जो महामहिम राज्यपाल हैं उनको आमंत्रित करेंगे, हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी आमंत्रित करेंगे और आमंत्रित करने का लक्ष्य हमारा ये भी है कि हम उत्तर प्रदेश के गौरवशाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी हम इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे और आगरा के जो भाजपा के नेता हैं हम उनका इस भीम नगरी में सहयोग लेंगे। आज बड़ी पंचायत में ये निर्णय लिया गया है कि 2020 की जो भीम नगरी लगने जा रही है बूढ़ी नगला के अंदर, एक भव्य भीम नगरी होगी, ऐतिहासिक भीम नगरी होगी और इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के राष्ट्रपति और कई अन्य नेताओं को बुलाने का लक्ष्य रखा गया है और ये अब तक की लगने वाली सबसे भव्य भीम नगरी होगी, ये हम बताना चाहते हैं। भीम नगरी जो लगेगी उसमें बच्चों की फीस दी जाएगी, हम लोगों को पूरा सहयोग करेंगे और भीम नगरी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया बनाना बन रहा है। नगला बूढ़ी में 2020 की जो भीम नगरी के लिए आयोजन केंद्रीय सम्मति जो अध्यक्ष जी ने किया है और नगला बूढ़ी में सेठ धनीराम जी को अध्यक्ष चुना गया है, मेरा पार्षद होने के नाते जहाँ भी जरूरत पड़ेगी विकास के गांव में या सहयोग करने के लिए मैं पूरी कोशिश, लगन, मेहनत, ईमानदारी से इनके साथ कंधे से कंधा मिला के भीम नगरी के आयोजन को सफल बनाने का कार्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास और प्रयास है। और हम लोग चली और अपनी कमेटी से भी ये लोग आयोजन के लिए जिम्मेदारी से कार्य करें, सहयोग करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास और कार्य करने का कार्य करेंगे। इस बार जो भीम नगरी 2020 नगला बूढ़ी में लग रही है, इसका उद्देश्य एक सामूहिक प्रयास शिक्षित करो अभियान, सामूहिक प्रयास शिक्षित करो अभियान, 1000 बच्चों की जिसमें फीस भरनी है, तो समाज के जरूरतमंद छात्रों को जब फीस भरी जाएगी तो बाबा साहब का जो पहला सपना है शिक्षित बनो वो पूरा होगा। जब आदमी शिक्षित होगा तो वो हर प्रकार की अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकता है, अपना रोजगार कर सकता है, क्योंकि जैसा हमारा चल रहा है अभियान सोच बदलो, समाज बदलो, मजदूरी छोड़ो, व्यापार करो और दुकानदार का सम्मान करो, कि अभियान के तहत इस बार 1000 छात्रों की हम लोग फीस भरने जा रहे हैं।